आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, रिटायर करूंगा, आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा, मैंने परिवार की ओर नहीं देखा, मैंने अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा और अपनी जवानी समर्पित कर दिया कि हम छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाएं। आज लोग आते हैं दूसरे जिलों से देखने के लिए कि ये छिंदवाड़ा क्या है, ये आज अपना छिंदवाड़ा है। और बीजेपी की सरकार बनी, देखिएगा कितने बिजली के बिल आएंगे, देखिएगा किसानों के साथ कितना अन्याय होगा। हमारा फर्म नहीं, तो ये तो सब सामने आएंगी बातें। आप सबने छिंदवाड़ा के विधानसभा में मुझे अपना प्यारा विश्वास दिया। आदि की चुनौती भी बहुत जबरदस्त है कि वे सोचते हैं छिंदवाड़ा की सातों सीटें जीत गए। चार प्रदेशों में चुनाव हुए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सातों की सातों सीट सब सीटें जीत गए। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आपकी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, रिटायर करूंगा, आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे, छिंदवाड़ा को मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और फिर से हमारा छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।